और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। प्रदीप जी, आज का जो दिन था, जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना सतीश महाना का स्वागत करते हुए जो भाषण दिया उन्होंने, और उसमें उन्होंने मेट्रो का जिक्र किया, लोक भवन बनाने का जिक्र किया, एक्सप्रेसवे का जिक्र किया, यानी एक बार फिर से वो अपने उस एजेंडे पर आए। हालांकि उन्होंने संसदीय परंपराओं का भी जिक्र किया, तारीफ की सतीश महाना की। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का भी ये भाषण आपने देखा सुना, तो आपने कई विधानसभाओं की कार्यवाही देखी और कई विधानसभाओं के चुनाव के पहले दिन देखे हैं, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या संकेत इसमें छिपे हैं कि आने वाले दिनों में ये तकरार, अभी तो बड़ा सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे पर तंज कसे गए, किस तरह से देखा जाए? प्रदीप जी, नहीं रोहित जी, जो आज का जो दृश्य था, जो भाषण हुए, जो भाषा थी, जो शैली थी, जिस तरह की बातें कही गई, उनसे एक ही संकेत निकलता है, एक ही संदेश मिलता है कि आने वाले दिनों में तल्खी बढ़ने वाली है। आज जो आपको मुस्कुराहट दिखी है, वो धीरे धीरे ये मुस्कुराहट रोहित होती जाएगी और इसकी जगह आक्रोश लेगा, इसकी जगह गुस्सा लेगा, इसकी जगह एक दूसरे पर हमले का स्वरूप दिखाई देगा। तो आने वाले 5 साल विधानसभा में आपको शांतिपूर्ण माहौल शायद ही देखने को मिले, और जिस तरह की बातें हुई हैं उनसे ये समझ में आ रहा है दोनों तरफ से पाले खींचे हुए। तो दोस्ती की, साथ मिलकर चलने की, न तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की अप्रोच दिखाई दे रही है और न ही सत्तारूढ़ दल विपक्ष को कोई स्थान देने को तैयार है, कोई स्पेस कंसीड करने को तैयार है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह स्थिति और जो है आक्रामकता वाली है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ